दोस्तों आगे आप डिबेट में नाविका कुमार को पनौती पर रोते हुए देखेंगे। टीम इंडिया जैसे ही विश्व कप का फाइनल मैच हारी, तब से ट्विटर पर लोगों ने पनौती ट्रेन करना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया के गोदी एंकर तुरंत ही समझ गए कि ये पनौती हमारे मालिक को बोल रहे हैं। इसी पर आज डिबेट में कांग्रेसी और समाजवादी ने मिलकर गोदी एंकर नाविका को गजब धो दिया और डिबेट के आखिर में समाजवादी नेता ने नाविका को लोहे के चने चबवाए। वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। इतनी बार आप खामियाजा भुगत चुके हैं लेकिन बाज ही नहीं आते। पनौती, पापी, तमाम तरह के इस तरह के अपशब्द जो इस्तेमाल करते हैं, इसका खामियाजा तो इतनी बार दे चुके हैं, और कितनी लालसा है आपको इसका खामियाजा भुगतने की, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन का भी नोटिस आ गया है। मैं पूछना चाहती हूं, इंडी गठबंधन, और मुझे पुराना वाला जवाब मत दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं वो कहते हैं, उनसे पहले कहो फिर हम बंद करेंगे। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं, इंडी गठबंधन ने कहा था कि वो देश को बचाने के लिए आ रहे हैं, नई मोहब्बत की राजनीति लेकर आ रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत क्या पनौती में डूब गई है? पहले तो ये बताऊं नाविका जी, वो इंडिया गठबंधन है, आप नाम कहीं कुछ भी रखिए, नाम बदले नहीं जाते। पनौती का अगर मतलब देखा जाए तो कठिन कठिनाई, और 2014 से देश जब से आजाद हुआ तब से इस हर हिंदुस्तान में व्यापार पे कठिनाई आ गई, नौकरी पे कठिनाई आ गई, लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कठिनाई आ गई, सामाजिक समरसता पे कठिनाई आ गई, सोशल फैब्रिक पे कठिनाई आ गई, देश के व्यापार में कठिनाई आ गई, देश की जीडीपी पे कठिनाई आ गई, कठिनाई कठिनाई चल रही है। आंकड़े जो दिखाए जाते हैं वो फैक्ट्स नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, इन आंकड़ों पे डाल के देखेंगे तो पूरा देश जानेगा। अब आप आ जाइए, अगर उस पर बात आती है कहने पर, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वो आदर्श होते हैं, वो विश्व गुरु हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मूर्खों के सरदार, जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, और अगर मैं और सारी चीजें बताऊं, टाइम्स नाउ कहता है आपका तो है ही, लेकिन अगर वो अमेरिका वाला जो है वो बताता है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते, दीदी ओ दीदी, बंगाल में 70 करोड़ महिलाओं को अपमानित करते हैं, दीदियों ने जवाब दे दिया, डबल बहुमत से जिता के लाए। अमित शाह जी ने राजस्थान में क्या कहा, राहू केतु, राहू केतु का मतलब होता है राक्षस, पौराणिक कथाओं में आपको पता हो कि भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे तो एक राक्षस देवताओं का रूप धर के अमृत पीने आ गया, उसका गला काट दिया तो उसका नाम राहू केतु पड़ गया, राक्षस जो होते हैं। तो राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, दो प्रधानमंत्रियों को राहू केतु कहा गया है। मैं चाहूंगा इस चैनल से कि वो बहुत गंदी बात है, अमित शाह जी माफी मांगे, उनके खिलाफ मैंने जयनाम रमेश जी को कहा है कि चुनाव आयोग आचार संहिता में जाए और मुकदमा कहा है, गहलोत साहब क्या कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पनौती शब्द उस इंसान या वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए बुरी सूचना की वजह बनता है, यानी कि इंग्लिश में बैड ओमेन कहा जाता है। लेकिन पनौती ये राहुल गांधी ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने स्टेज से नहीं कहा था, पूरे देश में चल रहा था। राहुल गांधी ने कहा तो यानी कि राहुल गांधी सोशल मीडिया ट्रोल्स को फॉलो करते हैं? नहीं नहीं, राहुल गांधी सोशल मीडिया ट्रोल्स को फॉलो करते हैं समीर भाई। सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन कहा मैंने अजय वर्मा जी, सवाल ये है कि मोहब्बत का दावा आपने किया था तो मोहब्बत में पनौती कहां से आई? एडिटर इन चीफ महोदया, सरकार देश में किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है, भाजपा की है। आदर्श लोग सरकार को मानते हैं, मुझे आपको मानते हैं तो आप आदर्श नहीं होंगे तो कुछ भी बोलेंगे। एक सेकंड, मैं पूरा कर दूं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का पद, वो हिंदुस्तान में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी नहीं बल्कि सबके प्रधानमंत्री होते हैं। ये जब ईट आप कीचड़ में ही मार रहे हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं, 140 करोड़ लोग समझ रहे हैं, और दहा सवाल क्रिकेट के उस पनौती का, तो सुन लीजिए। कपिल देव जिसने 1983 में हमारे सीनियर क्रिकेटर थे वर्ल्ड कप जिताया, महेंद्र धोनी जिन्होंने 11 में जिताया, उनको इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो बेटियों के समर्थन में दिल्ली चले गए थे, जो बेटियां इनके बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण के अत्याचार से दुखी होकर बैठी थी, प्रधानमंत्री में गए नहीं थे, निंदनीय है, शर्मनाक है। कहते कपिल देव एक चैनल पर कह रहे थे कि साहब मुझे बुलाते तो जरूर मैं जाता, और वो लोग जो क्रिकेट की एबीसीडी नहीं जानते वो क्रिकेट के पीएचडी के गुरु बन गए हैं, पदाधिकारी बन गए, वो मां जिसको चाहते हैं बुलाते हैं बैठाते हैं, और जो क्रिकेट के जनक है, क्रिकेट जिनकी वजह से पैदा उन्हें बुलाया नहीं है। आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इंडिया गठबंधन अगली बार मिले तो क्या ये एक मुद्दा हो सकता है कि चुनाव की कैंपेन में किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाए? क्योंकि मुद्दों पर राजनीति करने के लिए अगर गठबंधन बनाए तो मुद्दों पर रहे ना। कहां महंगाई की बात हुई, कहां किसी ने बेरोजगारी की बात की, बात क्रिकेट और पनौती पर आई और वहीं खत्म हो गई। कि मुझे लगता है कि मुझे याद ही नहीं कि टाइम्स नाइन नव भारत ने कभी भी जर्सी गाय पे या मूर्खों के सरदार पे कभी सवाल या डिबेट किया भी होगा। खैर, नहीं कर सकती, मजबूरी होती है। लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है, अगर आप बॉयकॉट ना करते तो आप भी उस डिबेट के हिस्से में होते। नहीं, हमें, हमने ये डिबेट की थी। हाँ, अगर काश आपने किया होता और दूसरे को नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने बोला है, आप अगर आप इतना बोल भी दे, आप बोल
तो आप ये बोल सकती हैं कि उन्होंने गलत बोला है? आप बोलिए, बड़ी पत्रकार है। नहीं मैडम, तो 40 साल से पत्रकारिता कर रही हैं। ईमानदारी से 100 साल कह दीजिए, इसकी बड़ी पत्रकार है, आपको बोलना चाहिए कि आप इस बात को रखिए कि आज नविका कुमार जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ऐसी परिपाटी ना बनाएं। हम आपसे उम्मीद करते हैं, बिल्कुल चलेंगे।